अगर आप भोजपुरी की ताजा खबरों को देखना चाहते हो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हो पीपल बायोग्राफी। मेरा नाम है सैम शर्मा। अभिनेता पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बारे में न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है अभिनेता पवन सिंह ने एक होटल के कमरे में फिल्म मां तुझे सलाम की शूटिंग के दौरान उनको मारा गया है। ये खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही। फिलहाल इंडियन एक्सप्रेस से लेकर जी न्यूज तक सभी बड़ी बड़ी वेबसाइटों पर, अखबारों पर दर्ज हो चुका है कि पवन सिंह ने अक्षरा सिंह की बुरी तरीके से पिटाई की। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, हम आपको फिलहाल बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये पोस्ट पढ़िए। ब्रेकिंग भोजपुरी न्यूज, पवन सिंह ने की अक्षरा सिंह की बुरी तरीके से पिटाई। भोजपुरी सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह के बारे में सूत्रों से खबर आ रही है कि उन्होंने शराब के नशे में धुत होकर अभिनेत्री अक्षरा सिंह की सिलवासा के एक होटल में जमकर पिटाई की। इसके दौरान होटल में कर्मचारी जब अक्षरा सिंह को बचाने के लिए आए तो पवन सिंह ने उनके सामने अक्षरा सिंह को बाल पकड़कर उनका सिर दीवार से टकरा दिया। और अक्षरा सिंह और पवन सिंह सिलवासा के एक होटल में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस बारे में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना सिलवासा के एक होटल दमन गंगा गुरुवार की रात 11:30 बजे घटी। सूत्रों की माने तो इस घटना में अक्षरा सिंह का हाथ भी जख्मी हो गया था। फिर सूत्रों ने यह दावा किया है कि जब से पवन सिंह की शादी हुई है तब से अक्षरा सिंह पर उनका जुल्म बढ़ गया है। वह लगातार उन्हें फिल्मों से निकलवा रहे हैं। इस मारपीट की घटना के बारे में मेरे सूत्रों ने दावा किया है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने शराब के नशे में धुत थे और वह अपने कमरे से बाहर निकलने लगे। उस समय अक्षरा सिंह ने रोका, जिसके बाद उन्होंने अक्षरा सिंह को गाली देते हुए उनके साथ मारपीट की। पवन सिंह की आवाज सुनकर होटल के स्टाफ भी वहां पहुंचे, जिसके बाद वह अहंकार में चोर सुपरस्टार ने फिर अक्षरा सिंह की पिटाई की। सूत्रों की माने तो इस फिल्म में अक्षरा सिंह का काम खत्म हो गया है और वह मुंबई लौटने वाली थी, मगर रात हो गया था और उन्हें गाड़ी खुद चलाते हुए आना था, जिसके कारण वह होटल में रुक गई। सुबह हो जाएगी, मगर इस बीच पवन सिंह ने उनके साथ मारपीट की। को बता दें, अक्षरा सिंह और पवन सिंह के नाम प्रेम प्रसंग में काफी उछला था। कई कार्यक्रम में पवन सिंह ने लोगों से अक्षरा सिंह का परिचय यह कहते हुए कराया कि यह उनकी भाभी है, मगर इस बीच अचानक पवन सिंह ने शादी कर ली, जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री चौंक गई। फिलहाल पवन सिंह द्वारा एक महिला अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ बेरहमी से की गई मारपीट की जितनी निंदा की जाए, इस स्टार ने अक्षरा सिंह के बारे में कई कार्यक्रम में कहा कि ये मेरा प्यार है। फिलहाल मारपीट की इस घटना से अक्षरा सिंह पर क्या बीत रही होगी ये तो वही जाने, मगर पवन सिंह द्वारा शराब के नशे में धुत होकर मारपीट करने घटना वाकई काफी शर्मनाक है। ये बात एक जर्नलिस्ट ने कही, जिनका नाम है शशिकांत, वो पेशे से एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये कहा। लेकिन इस बीच पहले लोगों ने अंदाजा ये लगाया कि शायद पवन सिंह और अक्षरा सिंह मिलकर लोगों को अप्रैल फूल बना रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते ये खबर पूरे देश में वायरल हो गई। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह ने अक्षरा सिंह की कैसे पिटाई की। हालांकि इस बात पर अक्षरा सिंह का कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, ना इस बात पर पवन सिंह ने कुछ बोला है। इस घटना को लेकर हाल ही में सीमा सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब तक इस चीज को आंखों से नहीं देखूंगी, जब तक मैं इस चीज को नहीं मानूंगी। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। कई लोगों ने पवन सिंह के खिलाफ जाकर कहा कि हाँ, ऐसा पवन सिंह कर सकते हैं। बहुत सी बातें उछली, लेकिन बड़ी बात तो ये, हाल ही में बिंदास भोजपुरिया ने अरविंद चौबे जी से बात की। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं शूट के दौरान वहां पर मौजूद था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच। लेकिन बड़ी बात तो यह है, इतने बेहतरीन जर्नलिस्ट शशिकांत सिंह ऐसा क्यों लिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी जानकारी दी, उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट, मेरा फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक और पोस्ट लिखा, जहां पर उन्होंने बताया कि जो पवन सिंह महिलाओं की इज्जत नहीं करता, वो शराब पीकर महिलाओं की पिटाई करता, उसे भाजपा में किसने शामिल कराया। दोस्तों, फिलहाल जिस फिल्म की शूटिंग अभिनेता पवन सिंह कर रहे थे, उस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है। तो इस विवाद पर ना ही अभी तक पवन सिंह ने कुछ बोला, ना ही अक्षरा सिंह ने, ना ही किसी ने। लेकिन अभी तक ये क्लियर कर दिया जा चुका है कि ये एकदम फेक न्यूज है। एक और प्रूफ हम आपको दिखाने वाले, जिससे लगता है कि ये न्यूज जो है वो फेक है। दोस्तों, ये अक्षरा सिंह का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, इसमें उन्होंने कल एक फोटो डाली, जहां पर उन्होंने जानकारी दी कि मां तुझे सलाम की शूटिंग खत्म हो चुकी है, जहां पर अक्षरा सिंह बिल्कुल मुस्कुराते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों, इस फोटो को देखकर और बिंदास भोजपुरिया द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से ये क्लियर हो चुका है कि ये बिल्कुल फेक न्यूज है। हालांकि अभी भी सवाल जारी है कि आखिर शशिकांत सिंह ने ऐसा क्यों किया, उनको ये न्यूज फैलाकर आखिर क्या मिला। हालांकि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि शशिकांत अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पवन सिंह को बदनाम करने की साजिश की। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में।